हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में पेपर थर्ड के अंदर एक नया टॉपिक ले रहे हैं, स्टेम सेल्स और स्तंभ कोशिकाएं। कोशिकाएं विभाजन और पोटेंसी क्षमता के आधार पर निम्न प्रकार की हो सकती हैं। पहला है संपूर्ण या पूर्ण शक्ति, दूसरी अनेकक्षम, तीसरी बहुक्षम कोशिका। पहला देखते हैं हम इसमें संपूर्ण या पूर्ण शक्त कोशिकाएं। एक वयस्क जंतु में अनेक प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं। उदाहरणार्थ मनुष्य में लगभग 200 प्रकार की कोशिकाएं ज्ञात होती हैं। यदि किसी कोशिका में उस जीव में पाए जाने वाली सभी प्रकार की कोशिकाएं बना सकने की क्षमता हो तो उसे हम पूर्णक्षम या पूर्ण शक्त कोशिका कहेंगे। निषेचन के परिणाम स्वरूप बनने वाली कोशिका यानी युग्मनज और जायगोट एक पूर्ण शक्त कोशिका होती है, क्योंकि यही विभाजन व विभेदन कर जीव में पाए जाने वाली समस्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। मानव की युग्मनज की पूर्ण शक्त कोशिका है, क्योंकि यह प्लासेंटा सहित सभी तरह की कोशिकाएं बना सकती है। विदलन के परिणाम स्वरूप बनी पहली 16 कोशिकाएं भी प्राकृतिक रूप से पूर्णक्षम होती हैं। दूसरी प्रकार की है अनेकक्षम कोशिका। एक अनेकक्षम कोशिका क्षमता में पूर्णक्षम कोशिका से थोड़ी कम क्षमता रखती है, क्योंकि यह शरीर की अनेक कोशिकाएं बना सकती हैं पर सभी कोशिकाएं नहीं बना सकती हैं। उदाहरण मानव भ्रूण के विकास के 4th दिन भ्रूण एक कोशिकीय गेंद की तरह हो जाता है, जिसकी बाहरी परत प्लासेंटा बनेगी व आंतरिक कोशिका पिंड, जिसको हम कहते हैं ICM, शेष शरीर की ऊतक बना सकती है, परंतु इसके लिए उन्हें बाहरी परत की आवश्यकता होती है। इस तरह आंतरिक कोशिकाएं अनेकक्षम हैं। अनेकक्षम कोशिकाएं तीनों जनन स्तर की कोशिकाएं बना सकती है। तीसरी है बहुक्षम या बहुशक्त कोशिका। बहुक्षम कोशिकाओं की क्षमता अनेकक्षम कोशिकाओं से भी कम होती है, तथा ये कुछ प्रकार की कोशिकाएं ही बना सकती है, जो सामान्यतः एक जन स्तर और जर्मिनल लेयर की होती है। उदाहरण रक्त स्तंभ कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की रक्त कोशिकाएं बना सकती है। मानव के शरीर में रक्त कोशिकाओं का उत्पादन यावत जीवन होता रहता है, तथा ये कार्य कुछ बहुक्षम कोशिकाएं करती हैं। ये अस्थिमज्जा में पाई जाती हैं। इनकी तरह ही अन्य स्टेम सेल होती हैं, जिसे स्किन स्टेम सेल जो त्वचा की कोशिका बनाती है। वयस्क मनुष्य में त्वचा व अस्थि मज्जा के अतिरिक्त स्तंभ कोशिकाएं रक्त, रक्त वाहिकाओं, कंकाल पेशियां, आंत्र के स्तर, दांत के पल्प, यकृत, अग्नाशय, आँख के कॉर्निया व रेटिना तथा मस्तिष्क में पाई जाती हैं। एक प्रकार की और कोशिकाएं हैं, जिनको हम कहते हैं विभेदित कोशिकाएं और डिफरेंशिएटेड सेल्स। उपरोक्त जो हमने तीनों प्रकार की कोशिकाओं के अलावा शरीर की जो कोशिकाएं और कोशिकाएं पाई जाती हैं, वे विशिष्ट कार्य करने हेतु विभेदित और डिफरेंशिएटेड या विशिष्टीकृत स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं। विशिष्टीकृत होने हेतु उन्हें अपने विभाजन की क्षमता को त्यागना पड़ता है। वयस्क भ्रूणोत्तर जीव की अधिकांश कोशिकाएं इसी प्रकार की
होती हैं। स्तंभ कोशिकाएं, स्तंभ कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें ना सिर्फ विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विभेदित होने की क्षमता होती है, वरन वे अपनी जैसी अन्य कोशिकाएं भी उत्पन्न कर सकती है। अपने समान अपनी पुत्री कोशिकाएं उत्पन्न करने की क्षमता सेल्फ रिन्यूअल कहलाती है। आप इस तथ्य से परिचित हैं कि जैसे जैसे जीव का परिवर्धन होता है उसकी कोशिकाएं विभेदित व विशिष्टीकृत होकर विभाजन की क्षमता खोती जाती है, परंतु फिर भी वयस्क जंतु में भी अनेक कोशिकाएं उत्पन्न की जाती हैं। मानव की लाल रक्त कोशिकाओं की आयु लगभग 120 दिन होती है। चूंकि मानव में रक्त कोशिकाओं की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में होती है, अतः प्रतिदिन लाखों रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह क्रिया रक्तोत्पादन कहलाती है तथा लंबे समय से यह माना जाता है कि यह कार्य कुछ विशिष्ट कोशिकाएं करती हैं जिन्हें हम स्तंभ कोशिकाएं या स्टेम सेल कहते हैं। अब हम देखते हैं स्तंभ कोशिकाएं क्या हैं, कौन सी कोशिकाएं हैं। स्तंभ कोशिकाएं वे कोशिकाएं हैं जो संवर्धन माध्यम के अनंत काल तक विभाजन कर सकती हैं तथा विशिष्टीकृत कोशिकाएं जैसे मस्तिष्क, ऊतक, रक्त, त्वचा, अंगों आदि में जन्म दे सकती है। स्तंभ कोशिकाएं पूर्ण शक्त, अनेकषम तथा बहुषम हो सकती हैं। स्तंभ कोशिकाओं की यह विशेषता यह है कि वे न सिर्फ विशिष्टीकृत कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं वरन अपने जैसी ही अन्य कोशिकाएं भी उत्पन्न करती हैं। स्तंभ कोशिकाओं के विशेष में यह बात जानी जाती है कि इनके वयस्क में उपस्थिति के विषय में मनुष्य को पहले बहुत लंबे समय से पहले ज्ञान था, परंतु पहली बार जो मनुष्य की स्तंभ कोशिकाओं की पहचान हुई वो 1998 में की गई। कुछ प्रकार के रक्त कैंसरों में रसो चिकित्सा किससे समस्त अस्थि मज्जा बोन मैरो को नष्ट कर दिया जाता है, जिसमें कि कीमोथेरेपी दी जाती है, उससे बोन मैरो को नष्ट कर दिया जाता है जो रक्त का उत्पादन करती है। जब एक स्वस्थ मनुष्य की अस्थि मज्जा का प्रतिरोपण ऐसे रोगों में किया जाता है तो उसमें पुनः स्वस्थ प्रकार की रक्त कोशिकाओं का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि प्रतिरोपित मज्जा में रक्तोत्पादन हेतु आवश्यक स्तंभ कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है इसमें स्तंभ कोशिकाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स। स्तंभ कोशिकाएं अनेक प्रकार की होती हैं। यदि स्तंभ कोशिकाओं को स्रोत या उनकी लोकेशन के आधार पर वर्गीकरण किया जाए तो हमें निम्न प्रकार की स्तंभ कोशिकाएं पहचान सकते हैं। पहली है भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। दूसरी भ्रूणीय जन कोशिकाएं, एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स। तीसरा फीटल स्टेम सेल, फीटल स्टेम सेल्स। फोर्थ इज वयस्क स्तंभ कोशिकाएं, एडल्ट स्टेम सेल्स। फर्स्ट टाइप इज भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये वे स्तंभ कोशिकाएं हैं जो भ्रूण में पाई जाती हैं। मानव की भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं भ्रूण के आंतरिक कोशिकीय पिंड आईसीएम से प्राप्त की जाती हैं।
इम्प्लांटेशन से लगभग 5 दिन के भ्रूण के आईसीएम में लगभग 100 स्तंभ कोशिकाएं मिलती हैं। ये क्षमता में पूर्ण शक या अनेकक्षम होती हैं। दूसरी प्रकार की जो है कोशिका वह है भ्रूणीय। दूसरी प्रकार की कोशिकाएं हैं वो हैं भ्रूणीय जन कोशिकाएं। भ्रूणीय जन कोशिकाएं उन भ्रूणों के वृषण टेस्टिस व अंडाशय से प्राप्त की जाती हैं जिनमें ये विकसित हो चुके होते हैं। उदाहरणार्थ मानव के परिवर्तन में 10 सप्ताह के भ्रूण में जननीय उभार बन जाता है जिसमें प्राइमोर्डियल जर्म कोशिकाएं पाई जाती हैं जो वयस्क शुक्राणु व अंड बनाती हैं। इन्हें 5 से 10 सप्ताह के भ्रूण से प्राप्त किया जा सकता है तथा ये अनेकक्षम होती हैं। तीसरी प्रकार की है गर्भ स्तंभ कोशिकाएं, फीटल स्टेम सेल्स। स्तनियों में एक निश्चित अवस्था के बाद जब भ्रूण में वयस्क जैसे नाक नक्श दिखाई देने लगे, मानव में लगभग 2 माह के भ्रूण को फीटस कहा जाता है। इनमें पाई जाने वाली स्तंभ कोशिकाएं फीटस स्तंभ कोशिकाएं कहलाती हैं। इन्हें हम भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाओं के अंतर्गत भी वर्गीकृत कर सकते हैं। चौथी है वयस्क स्तंभ कोशिकाएं और एडल्ट स्टेम सेल्स। वयस्कों के शरीर में भी कुछ स्तंभ कोशिकाएं पाई जाती हैं जो क्षमता के बहुक्षम होती हैं, यानी विभाजन से अपनी जैसी कोशिकाएं बनाने के अलावा कुछ अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी बना सकती हैं। वयस्कों की अस्थिमज्जा की स्तंभ कोशिकाएं इनका सबसे अच्छा उदाहरण है। ऐसी स्तंभ कोशिकाएं कुछ सीमित प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं जो सामान्यतः एक ही जन स्तर की व्युत्पन्न होती हैं। थैंक यू सो मच अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू।